हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो थोड़ा हटके है और इंटरेस्टिंग है। हाथ रेस कीजिए जितने लोगों ने ये सुना है कि आपकी मम्मी या आपके घर के बड़े लोग कह रहे हैं, बेटा बाहर जा रहे हो, अच्छे लग रहे हो, नए कपड़े पहने हुए हैं, काला टीका लगा लो, नज़र लग जाएगी। या आप कहीं से भी आपका प्रोग्रेस होता है या कुछ भी होता है तो माएँ आके आपकी नज़र उतारती हैं, बेटा नज़र लग जाएगी, तो आपकी हम नज़र उतार देते हैं। सब घरों के सामने नज़र बट्टू लगे हुए होते हैं कि कोई नज़र ना लगे। तो आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि वॉलेंटरली कैसे कोशिश करें कि नज़र नहीं लगे, कि आप लोगों को कोई भी नज़र ना लगे, तो कभी नज़र उतारने की बात आए ही ना। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानति मीरांधस्य ज्ञान अंजना शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदंत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतादि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो चीज है आज का श्लोक जो हमें बताएगा कि भागवत गीता चैप्टर नंबर 2 का 21 श्लोक हमें एक आइडिया देगा कि कैसे हम वॉलेंटरली कोशिश करें कि किसी की भी ब्लैक आई, किसी की भी बुरी नजर जो है हमें नहीं लगे। क्योंकि हम 24 घंटे तो सतर्क नहीं रह सकते ना कि कोई हमें ऐसे बोल रहा है, ये गाली दे रहा है, ये कुछ ऐसा कर रहा है, तो कैसे बचे। तो आगे बढ़ने से पहले श्लोक पढ़ते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्यम कथम स पुरुषा पार्था कम गत्यन्ति हन्ति कम। इसका अर्थ है, हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी और जन्मा शाश्वत तथा अव्यय है। अव्यय का मतलब इटर्नल है, इटर्नल मतलब हमेशा होने वाली, या उसको आप अव्यय का मतलब होता है उसको काट नहीं सकते, म्यूटेट नहीं कर सकते छोटे छोटे पीसेस में। वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है कि जिसको पता है कि आत्मा इटर्नल है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कभी कटती पटती नहीं है, तो वो कैसे मान सकता कि उसने किसी को मार दिया या मरवा दिया या वो खुद मर गया। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहां और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और उसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जैसे कहा गया है कि हर चीज की वैल्यू, यूटिलिटी वैल्यू पता होती है कि अगर आपको सुई को भी यूज करना तो कैसे यूज करना, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और आपको पता है तलवार की क्या यूटिलिटी है, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। उसी प्रकार से वायलेंस, किसी के प्रति हिंसा करने की भी एक यूटिलिटी है, एक न्याय संगत तरीका है कि यदि आप किसी पर हिंसा करते हैं तो उसका क्या रिपरकशंस आएंगे, उसका क्या रिजल्ट आएगा। अब जैसे एक वकालत होती है, जैसे न्यायाधीश होता है, जो जजेस होते हैं वो किसी भी मर्डरर को मृत्यु दंड दे देते हैं, तो इसका मतलब आप जजेस के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये न्याय संगत है। अगर वो बाहर रहेंगे तो वो शायद और लोगों को भी हार्म कर सकते हैं, और उससे उन लोगों को भी फायदा इसलिए होगा, जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि यदि उन लोगों को सजा मिल जाती है तो ये उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो कर्मा जो है अपना नेक्स्ट लाइफ में कैरी नहीं करेंगे, नेक्स्ट लाइफ से न्यू बिगनिंग हो जाएगी। तो अगर उन्होंने किसी को मारा है और यदि उसका वो कर्मा इसी जन्म में सह लेते तो नेक्स्ट लाइफ में इट विल बी अ क्लीन स्लेट जब वो दोबारा से शुरू करेंगे। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि
वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपने पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने के आदेश देते हैं तो ये समझना चाहिए कि ये हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन ये समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने ही ये सारा युद्ध कराया, हिंसा कराई अर्जुन को, काफी मारो मारो, इतना ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन अगर आप न्याय संगत की बात करो, अगर उन लोगों को अभी नहीं मारा गया होता तो नेक्स्ट लाइफ में वो फिर से उनकी स्लेट जो होती गंदी होती, उनको अपना कर्मा भोगना पड़ता, ठीक है। इसीलिए उनके लिए भी वो चीज बेहतरी के लिए ही थी। अतः न्याय के हेतु तथा कहते थे हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया मतलब सर्जरी का प्रयोग रोगी को मारने नहीं अपितु उसके स्वास्थ्य बनाने के लिए, जैसे कि सर्जन भी क्या होता है, एक डिसीज पार्ट को हटा देता है ताकि रोगी जो है वो लॉन्ग लिव कर सके। जैसे हम देखते हैं कि डायबिटीज जैसा एक बीमारी होता है, यदि उसमें कोई अंग सड़ जाता है, जैसे डायबिटिक फुट हो जाता है जिसको हम गैंग्रीन कहते हैं, तो सर्जन क्या करते हैं, उस फुट को हटा देते हैं, उसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, कहीं उसका जहर पूरी बॉडी के अंदर नहीं फैल जाए। तो इसी कारण जो ये प्रक्रिया की जाती है, जो हिंसा का प्रयोग किया जाता है या जजेस द्वारा किसी को उनके गुनाहों की सजा दी जाती है, तो ये उनके लिए बेटरी के लिए है, क्योंकि आप इस बॉडी को नहीं देखते, आप लॉन्ग टर्म का देखते हैं, ठीक है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाले युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है और उससे पाल फल की संभावना नहीं है। पाल फल मतलब उससे कोई भी अर्जुन को रिपरकशंस नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि वो कर्मा लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो भगवान के अंडर गाइडेंस में ये करता है। नाउ इससे हम आज के टॉपिक से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, हमें ये निष्कर्ष निकलता हुआ दिखता है कि यदि हम अपना कर्मा जीरो कर ले, यदि हम अपने कार्मिक प्लेट को साफ रखें, तो अगले जन्म में हमें दुख भोगना पड़ेगा ही नहीं। दुख चाहे वो बैड आई की फॉर्म में आए, चाहे वो किसी और तरह से भी आए, तो हमें वो दुख का आभास नहीं होगा या वो दुख हमको फील होगा ही नहीं। तो मतलब ये हुआ कि यदि मैंने आपको ये किताब दी और आपने ये किताब नहीं ली, तो ये किताब आपके पास हो ही नहीं सकती। सो बेसिकली ये है कि यदि कोई आपको बैड आई ले तो आप उसको लो ही ना, अगर आप उसको रिएक्ट ही ना करो तो वो गंदी आंख या बुरी नजर आपको लग ही नहीं सकती। अब आप कहोगे मैम हम 24 घंटे कैसे सतर्क रहे कि वो हमें बुरी नजर से देख रहा है या क्या कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना ऑरा जो होता है, अब ऑरा क्या होता है, यदि हम खड़े हैं और अपने अराउंड एक सर्कल बना लें, इमेजिनरी सर्कल बना लें, तो हमारी बॉडी में से एक रेडिएशन निकलती है जिसको हम ऑरा कहते हैं, ठीक है। यदि हमारा ये ऑरा वीक होता है तो क्या होता है, बुरी नजर लग सकती है। यदि हमारा ये ऑरा वीक होता है तो हमारी बॉडी के जो 9 द्वार होते हैं, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख, 1 एनस और 1 रिप्रोडक्टिव जो होता है वजाइना कह लो या पेनिस कह लो, वो जो 9 छिद्र होते हैं वो खुले हो जाते हैं यदि हमारा ऑरा वीक होता है। और इसी में क्या होता है, आप पोजेस स्टेट में जा सकते हो। पोजेशन का मतलब है दूसरी आत्मा आपकी बॉडी के ऊपर कैप्चर कर सकती है, कोई बुरी आत्मा है जिसको वेसल चाहिए, जिसको जो देह के लिए कर रही है, तो वो जो कहते हैं ना इसको ऊपरी हो गया या इसके ऊपर कोई चक्कर आ गया या इसके ऊपर हवा है या इसको आत्मा ने पोजेस किया हुआ, कितनी सारी एग्जॉर्सिज्म के ऊपर मूवीज आप देखते होंगे है? So, जब आपका ऑरा वीक होता है तो बॉडी के 9 छिद्र जो होते हैं वो खुल जाते हैं या पार्शियली खुल जाते हैं, जो कि बंद होने चाहिए, और उसी में से क्या होता है, कोई भी एंटी सोशल आत्मा या कुछ भी आपके ऊपर पोजीशन कर सकता है। तो बुरी आप तो दूर की बात, आत्मा भी आ सकती है, और ऐसे ही लोगों को क्या है, नजर
लगती है। ठीक है, कई लोग आके कहते हैं मैडम वहां पता नहीं हमें नजर भी बहुत जल्दी लगती है, इसका मतलब क्या हुआ, उनका जो ऑरा है वो वीक है। ठीक है, अब ऑरा, और जिन लोगों का ऑरा स्ट्रांग होता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब जिनका ऑरा वीक है, किसी ने उनको कोई किताब दी, उन्होंने ले ली, मतलब किसी ने बुरी नजर दी ऑरा वीक होने की वजह से वो ले ली। किसी का ऑरा स्ट्रांग है, चाहे वो कितने भी बुरी नजर देता रहे, वो वहां आपके ऑरा से आके टकरा के वापस चली जाएगी। अब हम आते हैं कि ऑरा हमें स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। देखिए, आपको अपनी स्लेट जो है क्लीन रखनी है, या अब आपके क्या कर्मों का लेखा जोखा है। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं पिछले जन्म में तो ऑफकोर्स डिसीज हो जाएगा, फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, या मानसिक तनाव, आप इन चीजों पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि बुरी कर्मों की वजह से क्या होगा, आपका ऑरा ऑलरेडी वीक होगा, उस वजह से आपको ये सारी चीजें प्रभावित होंगी। तो अब आप कहोगे कि भाई पिछले जन्म का हम कैसे करें, तो इस टॉपिक को अभी थोड़ा सा साइड में रख के और चीजों को बताती हूँ, फिर हम इस टॉपिक पे आएंगे कि अगर हमारे पिछले जन्म का लेखा जोखा है जो कि हमें याद ही नहीं है कि हमने पिछले जन्म में क्या किया, क्यों किया, अब उसका हमें रिपरकशंस अगर इस जन्म में आ रहे हैं और हमारा ऑरा उसकी वजह से वीक हो रहा है और उसकी वजह से हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स अगर आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, वो एक कहानी के साथ बताऊंगी। पर और रीजंस जो होते हैं जो आपके ऑरा को वीक रखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है अब्यूज करना। आप जाते हुए भी, सड़क पे चलते हुए भी, जैसे कईयों का लिंगो हो जाता है ना, कि जैसे एक आदमी से पूछा गया भाई तू इतनी गालियां क्यों देते, तो उसने गाली देते हुए कहा कि भाई मैं कहाँ गाली देता हूँ। क्यों? क्योंकि उनको ये पता ही नहीं चलता कि उनका जो लिंगो है, जो उनका बोलने का प्रक्रिया है, जो स्वभाव है, उसमें गाली ऑलरेडी आ चुकी है। गाड़ी चलाते हुए किसी को गाली दे देना या किसी कुछ भी करना, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, या आपका ऑरा वीक करती है। क्यों? क्योंकि ये आपका कर्मा बना रही है, और जब कर्मा बना रही है तो वो कहीं ना कहीं फलीभूत होगा और जिसकी वजह से रिपरकशंस आएंगी, और आपका ऑरा वीक होगा तभी आपको ये रिपरकशंस आ सकती है। अच्छा, गाली देना। दूसरा रीजन है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी बहुत ज्यादा तारीफें करना, पता है यार मैंने ऐसे किया, या फेंकना जिसको कहते हैं ना, कि यार मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैंने तो किसी को नहीं दिया, मैंने इतना दान दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें अपने बारे में तारीफ करना। अब इसका अगर आज के हम मॉडिफाई करें इस चीज को, एक होता है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, इसका मॉडिफाई वर्जन क्या है, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना, इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफ्स डालना, अपने लिए लाइक्स लाना, अपने लिए थॉट्स लाना, इमोजीज लाना, और अपने आप को बिल्कुल आजकल जैसे प्री वेडिंग शूट्स है, या क्या कहते हैं आपका बेबी शावर्स के टाइम, यू नो बेबी शूट्स आजकल चल रही हैं, बेबी शूट्स और प्रेगनेंसी शूट्स, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो ये क्या करती है, ये आपको अपने मुंह मियां मिट्ठू बनाने, मतलब हम देखो कितने बड़ी हीरोइन है, हम देखो कितने बड़े हीरो है, हम तो बॉलीवुड से भी आ गए। अरे वो उन लोगों का काम है कैमरे के आगे आना, हम उन लोगों को कॉपी करते हैं और हम ऐसी सारी चीजें करते हैं, इससे क्या होता है, हम अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे, देखो यार मैं ये कपड़ा पहन के कितना जचता हूँ, किसी हीरो या हीरोइन से कम नहीं लगता। तो इससे भी क्या होगा, हमारा ऑरा वीक होता है, ऑरा इसलिए वीक भी हो जाता है क्योंकि तब हम इतने ज्यादा उस चीज के लिए ऑब्सेसिव हो जाते हैं, यार किसी का कमेंट आया कि नहीं, किसी ने लाइक किया कि नहीं, किसी ने हार्ट्स दिए कि नहीं, और क्या होता है, हमारा सारा ध्यान उसी में चला जाता है, और अगर नहीं आते या उतने व्यूज नहीं आते या कुछ नहीं होते, हम डिसअपॉइंट होते हैं, और डिसअपॉइंटमेंट हमारा ऑरा और वीक करती रहती है। So, ये जो है ना, ये हम अपनी कब्रें जो होती है जानबूझ कर खोते हैं, किसी को गाली दे देना, किसी को चलते फिरते ऐसे बोल देना, या यू नो द सोशल नेटवर्किंग कल्चर जो आ चुका है, ये सारी चीजें हमें इतना ज्यादा वीक करते हैं। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखोगे ना, आप देखोगे पीछे मूवी आई थी सिल्क स्मिता करके, डर्टी पिक्चर आई थी, उसमें एक एक्ट्रेस के बारे में इतना ज्यादा
गलत गलत लिखना शुरू हुआ, उसने अपना न्यूज़पेपर में पढ़ना शुरू किया कि उसके बारे में ऐसे गॉसिप हो रहा है, एंड फाइनली शी वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब कोई नॉर्मल बंदा तो सुसाइड नहीं करेगा ना, जब आपका ऑरा वीक होगा और आप इतना ज्यादा मेंटल ट्रॉमा में रहोगे और आप इतने ज्यादा ससेप्टेबल हो जाओगे तो ऐसे डिसीजंस रहेंगे ना। यदि आपका ऑरा स्ट्रांग होगा तो आपको कभी ऐसे सुसाइडल थॉट्स भी नहीं आएंगे। सो दिस एंटरटेनमेंट बिजनेस, दिस ग्लैमरस बिजनेस जो है वो एक टाइप से, यदि इफ यू बिकम, देखिए एक लाइन, यू नो यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। अगर आप उसको एज अ प्रोफेशन रखते हैं देन इट बिकम्स अ प्रोफेशन, उससे आप अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। बट वेन यू गेट ओवर इन्वॉल्व इन टू इट, एक रिंकल आ गया ब्यूटी उसके लिए, यू आर नॉट ग्रेसफुली एजिंग, और आप ऐसी चीज करते हो तो डेफिनेटली आप चाहे कितने भी अच्छे लग रहे हो, चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, आपका जो ऑरा होगा वो भी होता जाएगा एंड देन यू बिकम ससेप्टेबल टू बुरी नजर लग रही। सो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम अपने ऑरा को वीक कर लेते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स ड्रग्स लेना या किसी तरह का नशा करना, अल्कोहल से, या आप स्मोकिंग कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपको एक एडिक्शन में लेके जाए, जो आपको अपने पे निर्भर बना दे, जो आपको अंदर से खत्म कर दे, तो वो भी आपका ऑरा जो है वीक करती है। या कभी आपको भी दहशत की न्यूज होगी, कई लोग होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए फैमिली में या बिजनेस में तो उनका दिमाग बड़ा कूल हेड होता है, जैसे धोनी का बड़ा कूल हेड होता था, मैच जीतना है कैसे करना क्या नहीं करना, क्यों, क्योंकि उसका ऑरा बड़ा स्ट्रॉन्ग था, वो उसको बिल्कुल पर्सनल लेवल पे नहीं करता था, उसको उसने डिस्टिंक्शन किया हुआ था, ही हैड ड्रॉन अ लाइन कि कैसे वो करना है। और कई बार क्या होता है हम उस चीज में इतना घुस जाते हैं कि हमें लगता है वही हमारा एक्सपेंशन है, अगर वो मैच हार गए हम तो हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो कई बार कितने वर्ल्ड कप मैचेस में सुसाइड हो जाते थे, क्यों, क्योंकि वो उसको अपना एक्सपेंशन मान लेते थे, वो अपनी आइडेंटिटी उस चीज से जोड़ लेते थे, तो ये भी गलत है, ठीक है। ये भी आपका ऑरा वीक करती है और आपके मेंटल फैकल्टीज को इतना ज्यादा कंफ्यूजन में डाल देती है कि आप आगे डिसाइड ही नहीं कर पाते कि सही है क्या गलत है। तो ये हमने आज थोड़े से टॉपिक्स जो उठाए वो हम देखते हैं कि हम एक्चुअली में ये गलतियां स्वयं खुद जो है कर रहे हैं, बेसिकली हम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। तो ऐसे ही कई लोगों को लगता है यार हमें नजर जो है बहुत जल्दी लग जाती है, या हमारे पे बुरी नजर लग जाती है, या वो देखो वो हमसे चिढ़ता है, हमें गालियां देता रहता है कि हमारा ये हो जाए ऐसा हो जाए, उसी की वजह से हमारा ऐसा हो गया, ये बहुत कॉमन है। अब जो हमने प्राइमरीली डिस्कस किया था इस श्लोक के माध्यम से, यदि मैं अपना कर्मा का श्रेय, क्योंकि हमने ये देखा ना कि अगर मुजरिम को पहले सजा मिल जाए तो नेक्स्ट जन्म में उसको वो उसकी जो स्लेट है वो क्लीन है, तो उसको वो चीज कैरी नहीं करनी पड़ती, उसका कर्मा वहीं पे खत्म हो जाता है, क्लीन स्लेट से वो शुरू करता है। तो यदि हम भी क्लीन स्लेट से शुरू करेंगे तो ये सारी दिक्कत आएंगी नहीं। परंतु प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि हमें तो नहीं पता ना कि पूर्व जन्म में हमने क्या काम किए हैं, कैसे किए हैं, क्या नहीं किया, क्या सही किया क्या गलत किया, तो हमें कुछ याद ही नहीं, तो अब हम इसको रेक्टिफाई कैसे करें। तो यहाँ पे मुझे ना एक बहुत ही फेमस कहानी याद आती है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन अगर कोई आपको ये किताब दे रहा है, आप लोगे नहीं तो आपके पास ये किताब आएगी नहीं, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, एक मुनि थे अम्बरीश, ठीक है। अब ये अम्बरीश राजा जो थे ना, सारा टाइम भगवान के उसमें लगे रहते थे, आंखों से भगवान का दर्शन करते थे, हाथों से भगवान के लिए माला बनाते थे, ठीक है, पैरों से भगवान के मंदिर की परिक्रमा लगाते थे, नाक से भगवान के ऊपर चढ़ाए गए पुष्पों को सुनते थे, कानों से भगवान का गुणगान सुनते थे, मुख से भगवान का गुणगान कीर्तन करते थे, जीवा से भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद पाते थे, तो उनकी सारी की सारी इंद्रियां जो थी किसी न किसी प्रकार से भगवान विष्णु की सेवा में लगी हुई थी। तो एक बार क्या हुआ, राजा अम्बरीश के यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आई, अकाल वकाल की स्थिति आई, तो उनके जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, एक साल का ना एकादशी व्रत रख लो, और द्वादशी वाले दिन आप उसको पारण कर लेना अपने राज्य की सफलता के लिए।
राजा ने कहा ठीक है, क्योंकि अब उनको नहीं पता कि वैसे तो ऐसे दिव्य मनुष्यों का कोई कर्मा काम नहीं करता, ठीक है, जो पुराने उनके, जैसे ही हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं तो भगवान जी भागवत गीता में कहते हैं सर्वधर्म परित्यजते माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुचा, कि तुम मेरे पास आ जाओ, जस्ट कनेक्ट विद मी, तो जो तुम्हारा पुराना बैलेंस है, डेट्स हैं, कर्मा का डेट्स है, वो मैं सब क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, आई डोंट केयर आप कितने पानी में। तो ऑलरेडी वैसे जो भगवान के ऊपर आश्रित राजा होते उनका कोई कार्मिक बैलेंस होता नहीं है, या कभी कभार कुछ होता भी है तो वो ऐसा भगवान परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं कि ऐसे, फिर ये जब भी चीज आती है तो उनकी ख्याति बढ़ती है, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो राजा ने ऐसा व्रत धारण किया, अगेन कि उनकी स्लेट क्लीन थी कि नहीं, अगेन मैं कह रही हूँ ऐसे लोगों की स्लेट क्लीन होती है, लेकिन कई बार भगवान उनको ऐसी परिस्थिति में डाल देते हैं, जैसे हम जैसे मूर्खों को उसका थोड़ा सा जिसको कहते हैं समझाने के लिए, ठीक है, हम अपने बच्चे को ही डांट सकते हैं ना, तो वो भगवान के ऑलरेडी बच्चे होते हैं तो वो दिखाते हैं ताकि हम लोग सीख सकें, और ऐसे में उन अपने भक्तों की वो ख्याति मतलब पॉपुलैरिटी जो होती है उसको इंक्रीज करती है कि देखो कितना अच्छा राजा था। सो अगेन जो वो स्टोरी आती है, तब क्या होता है, जो दुर्वासा मुनि आ जाते हैं उनके किंगडम में, वो एक साल तक पूरा व्रत धारण करते हैं, अब द्वादशी पे पारण का टाइम आ जाता है कि अब उन्हें व्रत तोड़ना होता है, तभी उनके जो पूरे व्रत की सफलता होगी और ताकि उनका जो राज्य है सुख और समृद्धि में चला जाए। पर उस समय दुर्वासा मुनि आ जाते हैं, कहते राजन मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊं, तो राजा ने कहा, अम्बरीश राजा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप आइए, आप यहाँ पे बैठिए और आप जो है खाइए, आप भोजन कीजिए, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पर वो कहता अभी मैं स्नान करके आऊंगा, तो दुर्वासा मुनि जो है नदी में स्नान करके जाते हैं, पर पानी में उनकी समाधि लग जाती है और वहां पे राजा उनका वेट कर रहा है, और वहां के सारे राजपुरोहित राजा को कहते हैं भाई तुम ना अब खा लो, कुछ कर लो, नहीं तो हमारा पूरा वेस्ट हो जाएगा, हम अपनी प्रजा के लिए ये किया हुआ है, अपने अपने इंडिविजुअल मोटिव के लिए किया होता तो आप फास्ट कर लो कोई बात नहीं, लेकिन आपने ये अपनी प्रजा जो आपके बच्चों के समान है उनके लिए आपने किया, तो आपको ये द्वादशी पे पारण करना पड़ेगा, नहीं तो व्रत जो है निफल हो जाएगा। तो राजन कहते ठीक है, तो उन्होंने कहा मिटवे कैसे निकालें कि उन दुर्वासा मुनि का भी जो है अपमान ना हो और ऐसे करें। तब राजपुरोहित ने कहा कि तुम आप ना ऐसा करिए राजन, आपका तुलसी पत्र लेके जल के साथ ले लीजिए, तो इससे आपका द्वादशी पालन भी हो जाएगा और दुर्वासा मुनि का कोई वो भी नहीं होगा, फिर आप उनके साथ प्रॉपर मील कर लेना जैसे ही आएंगे। राजा ने जैसे ही किया, उन्होंने तुलसी के साथ जल धारण किया, तो अभी दुर्वासा मुनि आ गए, उनको बड़ा गुस्सा आया कि राजन तुम अपने जो है इंद्रियों पे काबू नहीं कर सके एंड ऑल दैट, वो कहने लग गए और राजा वहां हाथ जोड़ के खड़े रहे। अब क्या हुआ, दुर्वासा मुनि इतना ज्यादा बोल रहे थे, उनको इतना गंदा भला बुरा सब कुछ बोल रहे थे, पर राजन ने क्या किया, अपना ओरा स्टोन किया और हाथ जोड़ के वहां पे खड़े रहे, उन्होंने लिया नहीं, दुर्वासा मुनि दे रहे थे उन्होंने लिया नहीं और वो वहां पे खड़े रहे। तब दुर्वासा मुनि को और गुस्सा, उन्होंने अपने बाल हटाई और एक अग्नि का जलता हुआ दैत्य उत्पन्न किया और कहा कि इस दुर्वासा को ना अभी के अभी जो है, और इस अम्बरीश को ना अभी के अभी खत्म कर दो। आप देखिए राजा अम्बरीश जिस पोजीशन में खड़े थे वो वही रहे, जब तक दुर्वासा दे रहे थे उन्होंने लिया ही नहीं, श्राप भी दिया उन्होंने लिया ही नहीं, तो जैसे वो अग्नि दैत्य आया तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन आ गया और उस अग्नि दैत्य को वहीं पे खत्म किया और वो सुदर्शन जो है दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ा। मतलब अगर आपने वो ब्लैक आई ली नहीं, किसी का श्राप लिया नहीं, तो वो उसी पे आएगा, ठीक है, कोई आसमान के ऊपर थूक फेंकेगा तो वो उसी पे आएगा, आसमान नहीं लेता, आसमान डोंट केयर अबाउट व्हाट यू टेल हिम व्हाट एवर थिंग यू गेट, ठीक है, वो आप ही के ऊपर आएगा, आप अच्छा करोगे तो वो आसमान आपको दे देगा, कोई ऊपर थूके तो वो थूक उसी के ऊपर गिरेगी ना। तो सेम वे दुर्वासा मुनि इतना उनको ब्लेस्फेम कर रहे थे, इतनी गलत चीजें उनको बोल रहे थे, लेकिन अम्बरीश महाराज ने वो चीज ली नहीं और फाइनली जो ये चीज है वो दुर्वासा के पीछे दुर्वासा का कर्मा बन गया, अम्बरीश ने लिया नहीं, दुर्वासा का कर्मा बन गया और विष्णु भगवान का चक्र जो है दुर्वासा मुनि के पीछे 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 चलने लगा। अब दुर्वासा मुनि भागते हुए ब्रह्मा जी के पास गया, मैं तो आपका बेटा हूँ मुझे बचाओ,
ब्रह्मा जी ने देखा कौन किससे बचाना है, अरे ये भगवान विष्णु का चक्र है। ब्रह्मा जी ने उसको दंडवत प्रणाम किया और कहा कि नो इट्स बियॉन्ड माय ज्यूरिडिक्शन, इट्स बियॉन्ड माय एक्सपर्टीज, मैं नहीं कुछ कर सकता, तुम जाओ जाओ। दुर्गा सा मुनि फिर शिव जी के पास गया, कहा मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, कृपया कर मुझे बचाओ, किससे बचाना है। देखा भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, शिव जी ने भी वहां दंडवती प्रणाम किया और कहा कि सॉरी बियॉन्ड माय एक्सपर्टीज, तुम आगे जाओ प्लीज, मुझे भी छोड़ो। अब दुर्वासा मुनि भागते भागते एक साल में ऊपर जा रहे हैं, वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ में भगवान विष्णु को दंडवत लगाए कि देखो मैं तो तुम्हारा गुरु हूँ। जब भगवान कृष्ण जो है ग्वाल ग्वाल रूप में थे वृंदावन में, तो उनके गुरु जो थे वो दुर्वासा मुनि थे। ऐसे गोपाल तपनी उपनिषद में ये पूरा दिया हुआ है कि दुर्वासा मुनि भी भगवान कृष्ण के गुरु थे। तो भगवान विष्णु ने कहा सॉरी आई कांट डू इट, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ और तुमने क्योंकि मेरे भक्त का अपमान किया, तो अब ये सुदर्शन जो है मैं उसको रोक नहीं सकता। और फिर दुर्वासा मुनि एक साल भागते भागते फिर अम्बरीश के पास आए। अम्बरीश एक साल से तो बिल्कुल कुछ खा नहीं रहे थे, अपनी प्रजा के लिए बिल्कुल भूखे बैठे हुए थे। और अब जब दुर्वासा मुनि भी वहां पे आ गए, तब भी अम्बरीश महाराज ऐसे ही हाथ जोड़ के खड़े हुए। उन्होंने अपना कोई कर्मा बनाया ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो भगवान से इतना टोटली कम्प्लीटली फुल्ली सरेंडर थे, ठीक है। और जब हम ऐसा होते हैं, जब हम भगवान के कम्प्लीटली फुल्ली सरेंडर होते हैं, तो ना ही हम किसी को गाली दे सकते हैं और ना ही हम अपनी तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हम तो कुछ भी नहीं, हम तो तुच्छ है। भगवान के जो हम करेक्टरिस्टिक्स, भगवान के जो हम ग्लोरिफिकेशन, भगवान के हम जब इतना सारा सुनते हैं, तो हमें लगता है हमारा रूप क्या है, हमारा जीवन क्या है, हमारा ऐश्वर्य क्या है, हमारा धन क्या है, हम चाहे कितने भी बड़े राजा क्यों ना बन जाए, हम भगवान के सामने तुच्छ हैं। तो कभी भी हम अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। और क्योंकि हम भगवान पे इतना प्रेमी भक्त हो जाते हैं कि हमें भगवान जो है सबके हृदय में दिखेगा, जिसे कहते हैं पंडिता सर्व दर्शन, वो एक छोटी सी चींटी में, एक हाथी में, एक ब्राह्मण में, एक शूद्र में भगवान को ही दर्शन करता है। तो जब वो हर जगह अपने इष्ट को देखेगा, जब वो हर जगह अपने भगवान को देखेगा, तो वो किसी को गाली कैसे देगा। और यही तो क्राइटेरिया हमने आगे डिस्कस किया कि किसी को गाली नहीं देना, किसी को अपनी प्रेज नहीं करनी, जिससे आपका ऑरा वीक होता है, ये चीज करेगा नहीं, वो बिल्कुल हम्बल पोजिशन में रहेगा। और वही अम्बरीश राजा ने किया, वो वहां पे वैसे के वैसे खड़े रहे, उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने लिया नहीं। जब दुर्वासा मुनि राजन बीच के पास आए, उन्होंने उनको डटवट प्रणाम करते हुए कहा प्लीज राजन मुझे इससे बचाओ। तब अम्बरीश महाराज ने कहा कि यदि मैंने कोई भी पुण्य किया है, कृपया करके ये सुदर्शन चक्र रुक जाए और मेरे पूज्य दुर्वासा मुनि को कोई हार्म ना करे, ये हमारे यहाँ के अतिथि हैं और मैं इनका स्वागत करना चाहता हूँ। और वही हुआ, सुदर्शन वही के भी गायब हो गए, भगवान विष्णु के पास चले गए। एंड फाइनली राजा अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि को खिलाया एंड एवरीथिंग कराया। सो अब आप देख रहे हैं ना कि कैसे, मतलब आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ एक ही तरीका है, यू कैन नॉट कंट्रोल योर टंग, वाचो वेग को कैसे बोलने का एक वेग आता है, यू अर्ज आती है, आप उसको कंट्रोल, जैसे एक विंड होता है ना, वैसे ही बोलने के लिए एक अर्ज आती है, गुस्से का एक अर्ज आता है, ठीक है, सेक्स करने का एक अर्ज होता है कि कैसे कंट्रोल करो, खाने का जो बहुत खान फूडी होते हैं वो एक अर्ज आता है, कहते हैं वाचो वेग मनसा, माइंड के थॉट्स का एक अर्ज होता है, ऐसे कर लो वैसे कर लो। अब कई पेशेंट आके कहते हैं मैडम माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा, सोने की प्रयास करते पर दिमाग चलता रहता है, कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या करें? क्योंकि तो क्या है, ये वेग है, विंड की तरह एकदम अर्ज है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उद्रो प्रस्थान वेगम, मतलब बोलने का अर्ज, ठीक है, माइंड का अर्ज, एंगर का अर्ज, जीत का भी अगेन गाली देने का, या टेस्ट का अर्ज, पेट का अर्ज कि मेरे को ये खाना है, मेरे को वो खाना है, और खाना है, ज्यादा क्वांटिटी में खाना है, और सिक्स का अर्ज। ये सिक्स अर्जेस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ये इसके लिए मुश्किल है कि उसके लिए ये आसान हो जाता है जो भगवान पे कंप्लीटली सरेंडर हो। तो यही जो होते हैं, ये हमारे गुरु वर्क होते हैं, ये हमारे गुरु होते हैं जो ये ऑलरेडी इन चीजों पे कंट्रोल पा चुके हैं,
जो भगवान पे कंप्लीटली सरेंडर है, और यदि हम उन गुरुओं की पूंछ बन जाए, यदि हम उन गुरुओं का पद आश्रय लें, तो वो क्वालिटी हमारे अंदर भी आ सकती है और हमारा ऑरा भी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ये सारी चीजें जो है बुरी नजर है वो कभी नहीं लगेगी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक तो हमें भगवान के ऊपर कंप्लीटली निर्भर होना है, पर यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो फाइंड अ गुरु, ऐसे गुरु का दर्शन कीजिए, ऐसे गुरु का मार्गदर्शन दीजिए, ऐसे गुरु से दीक्षा लीजिए जो ये सारी चीजें कंट्रोल कर चुका, ताकि वो आपको इसको करने की विधि सिखाए, आपको हर चीज सिखाए और भगवान के साथ आपका कनेक्शन को जोड़े, ताकि आपको ये सारी चीजों में से कुछ भी नहीं दिक्कत करेगा। कहते हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उद्रो प्रस्थान वेगम एतेन वेगम शोषक्षी एतं वेगम जो विषय हेत धीरा सर्वम अपिमं पृथ्वीं च शिक्षे। मतलब जो ये सिक्स अर्जेस को जो विंड की तरह आती है उनको कंट्रोल कर लेता है, वही व्यक्ति जो है पूरी पृथ्वी में शिष्य बना सकता है, पूरी पृथ्वी में वही गुरु बन सकता है। तो आपको ऐसे गुरुओं को ढूंढना है, उनके अंडर जाना है, उनके अनुगत्य में रहना है, उनका पदाश्रय लेना है, ऐसे आचार्य पाठ के अंडर आपको जाके सीखना है, ताकि भगवान के साथ आपका संबंध स्ट्रांग हो, ताकि आप इस लाइफ में भी डिस्ट्रेसफुल ना रहे। हम कहें ना भव सागर से पार हो जाए, चलो वो तो बाद की बात है, पर अभी एट प्रेजेंट भी तो कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, लोग देख कर शांत नहीं है, इतना ही कलह है, एक फैमिली में दो तीन बंदे भी हैं उसी में इतनी कलह हो जाती है, लोग माइंड से बिल्कुल भी शांत नहीं है। अभी पीछे मेरे पास ना एक पेशेंट आई लास्ट वीक, मैंने उसमें बड़ी डांट लगाई, मैं एक पेशेंट देख रही थी और उसका नया केस था, तो थोड़ा समय लग गया उस पेशेंट के साथ उसकी केस हिस्ट्री डिटेल लेके, वो जो नए वो पेशेंट टाइम और उसको कहती है आप इतना टाइम लगा रहे हो, आप क्यों इतना टाइम लगा रहे हो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, हम भी आपसे ट्रीटमेंट लेने बैठे हैं। सो मैंने उस समय उसे इग्नोर किया, तो मैं ठीक है अब बैठे मैं आपको देखती हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, जो मेरे पास पेशेंट बैठा हुआ था, उससे अगले पेशेंट था, उसके दो पेशेंट के बाद उस लेडी का नंबर था, उनको छोड़ते हुए फिर आ गई। मैं कहा अभी तो आपका नंबर है नहीं, आप कैसे आ सकते हो, अरे आपको उनके साथ कुछ पर्सनल कनेक्शन है तो आप देख लो, मैं बैठ जाती हूँ। मैंने कहा नहीं आप आए नहीं वो नंबर में, वो इतनी ज्यादा वो लेडी रेस्टलेस थी, मेरे को कहीं जाना है, मैंने कहा आपको कहाँ जाना है, नहीं मेरे को घर जाना है, मेरे को अपने बच्चों को मैं लॉक करके आई, मैं कितने बड़े हैं आपके बच्चे, अरे वो कॉलेज में है, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। एंड शी वाज सो रेस्टलेस मतलब इतना रेस्टलेसनेस, क्यों, क्योंकि कंट्रोल नहीं है, ऑरा इतना वीक हो गया, अर्जेस इतनी आउट ऑफ कंट्रोल है, माइंड वो रेस्टलेसनेस जो माइंड की रेस्टलेसनेस है वो फिजिकल बॉडी पे दिख रही है। सो दिस इज हाउ वी गो इनटू एन एक्सट्रीम, जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन होती है हम उसको इतने एक्सट्रीम लेवल पे ले जा सकते, पर अगर हम अपना ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखें तो आपको देखिए नजर क्या आपको डिसीज भी नहीं होगा। तो ऐसे गुरुओं का हमें संग करना चाहिए, ऐसे संतों का हमें संग करना चाहिए और उनसे विधि सीखनी चाहिए कि भगवान से हम कैसे लिंक करें, अपनी स्लेट को कैसे क्लीन रखें। ठीक है, तो वो जो कार्मा हमारी लाइफ में आएगा वो अगर बहुत बड़ा होगा तो वो छोटा सा बन के खत्म हो जाएगा। सो विद दिस आई विल लाइक टू एंड माय क्लास हियर। होपफुली आपको आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में से इंसिडेंट सिखा के आपको बताऊं, स्टोरीज शास्त्रों में सुनता हूँ, होपफुली द वे सही रहेगा। यदि आपका कोई इम्प्रोवाइजेशन का कोई कमेंट होगा प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, वी विल थिंक ओवर इट एंड वी विल ट्राई टू मोर एंड मोर इम्प्रोवाइज आवरसेल्फ। ठीक है, सो विद दिस आई विल लाइक टू एंड माय क्लास है थ्री टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र बोल के यू विल एंड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, हम नेक्स्ट वेडनेसडे मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेक थ्रू टॉपिक। ठीक है, सो विद दिस हरे कृष्ण, यू हैव अ वेरी नाइस एंड गुड वीक अहेड, कृष्णमय वीक अहेड।